नमस्कार, अपना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। डाउनलोड करें अपना ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 16 और टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लास्ट क्वार्टर के लिए टीडीएस स्टेटमेंट जमा कराने की डेट 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। साथ ही कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 इशू करने की डेट 15 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। सीबीडीटी के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि आईटीआर फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ानी पड़ेगी। रूल्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है, लेकिन सीबीडीटी द्वारा फॉर्म 16 की तारीख बढ़ाकर 10 जुलाई कर देने से इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 10 जुलाई को इशू किया जाता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। उसके पास सिर्फ 21 दिनों का टाइम होगा। कम टाइम की वजह से हजारों ऐसे लोग होंगे जो रिटर्न फाइल करने में देरी कर सकते हैं, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रिटर्न फाइल करने की डेट भी 31 जुलाई से बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहें ओपन अप बिजनेस के साथ। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क।